Hey guys and welcome back to my channel. आज हम unboxing and review करने वाले Firebolt Neptune स्मार्ट वॉच का ये Firebolt की लेटेस्ट वन स्मार्ट वॉच है. स्मार्ट वॉच में आपको 1.69 इंच डिस्प्ले, 7 डेज बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग, 118 स्पॉट्स मोड, 5 ATM वाटर प्रूफ रेटिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा और प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है. सो आपको वीडियो को देखने के बाद इस स्मार्ट वॉच को परचेज करना है, लिंक नीचे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज मैं आपको वीडियो में स्मार्ट वॉच की डिज़ाइन, बिल्ड, बैटरी, यूज इंटरफेस ऐसे को सारी चीज़ के बारे में वन बाय वन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. सो वीडियो की लास्ट में आपको पता चल जाएगा आपको स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहिए कि नहीं. सो आप वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो को यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस करना तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो गाइस मेरे स्मार्ट वॉच का बॉक्स है, यहाँ पे आपको Firebolt की ब्रांडिंग एंड मॉडल नेम मिल जाएगा. साइड में आपको सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, बैक साइड में सारे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है. अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है वारंटी कार्ड, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 1 ईयर के लिए वारंटी मिल जाएगी. नेक्स्ट आपको मिलता है गाना का 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट मिलता है बुक माय शो का वाउचर और आपको मिल जाएगा बोल्ट प्लेब का फ्री मेंबरशिप. सो यहाँ पर आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है, प्लस आपको मिलता है यूजर मैनुअल जिसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं. साथ में आपको मिलता है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल जिससे बहुत ही इजीली स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो. सिंपली आप इस तरह से अटैच करके स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाओगे, आपके लिए काफ़ी ईजी प्रोसेस बन जाएगा. और ये हमारा मेन प्रोडक्ट Firebolt Neptune स्मार्ट वॉच. सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में. स्मार्ट वॉच का वेट ओनली 39 ग्राम है जो बहुत ही लाइट वेट है. डिज़ाइन आपको बहुत ही स्लिम मिलती है, सो आप स्मार्ट वॉच को आराम से ओले पहन के रख सकते हो. बहुत ही इजीली आप अपना हैंड मूवमेंट कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर बात करें लुक्स के बारे में, लुक्स आपको बहुत ही सुपर मिलता है. अभी मेरे पास पिंक कलर की स्मार्ट वॉच है जो गर्ल्स का फेवरेट कलर है. अगर कोई गर्ल्स इस स्मार्ट वॉच को यूज़ करेगी लुक आपको बहुत ही सुपर मिल जाएगा. लुक एंड फील आपको बहुत ही प्रीमियम मिलता है. यहाँ पे पूरा आपको स्क्वायर शेप में डायल मिल जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में. यहाँ पे पूरी आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, पीछे आपको प्लास्टिक बैक मिलता है. यहाँ पे आपको 22 mm के सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं जो आप स्किन के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा. इस टैप को इस तरह से बहुत ही इजीली रिमूव एंड फिर से आप अटैच कर पाओगे. यहाँ पे राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है और बैक साइड में आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे. सो ओवरऑल स्मार्ट वॉच आपको बहुत ही गुड लुकिंग एंड प्रीमियम डिजाइन में मिल जाएगी. स्मार्ट वॉच में 5 ATM वाटर प्रूफ रेटिंग मिलता है, सो आप स्मार्ट वॉच को ऑल वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हो, सागर के टाइम यूज कर सकते हो. स्मार्ट वॉच को आप अंडर वाटर स्विमिंग के टाइम में यूज कर पाओगे, फिर भी आपकी स्मार्ट वॉच खराब नहीं होगी. सो भी हम स्मार्ट वॉच को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं. फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए सबसे पहले स्मार्ट वॉच को चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, इससे आपकी स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी. यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1 मिलता है. उसके बाद आपको अपने फोन में डाफ फिट ऐप को डाउनलोड करना है जो आपको एंड्रॉयड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है. बाद में सिंपली आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे आपको ऐड अ डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच आ जाएगी, देखो यहाँ पे आ चुकी. सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बहुत ही फास्ट आपकी स्मार्ट वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी. किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए बैटरी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच के अंदर फास्ट चार्जिंग का फीचर मिलता है. मैंने चेक किया, इस स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम लग जाएगा और एक बार फुल चार्ज करने के बाद स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 6 to 7 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है. अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो अगर आप स्मार्ट वॉच को फुल फीचर के साथ यूज़ करोगे तो भी आपको आराम से 5 to 6 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा जो काफ़ी डिसेंट बैटरी लाइफ है. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में बैटरी लाइफ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 1.69 इंच HD डिस्प्ले मिलती है. इसमें आपको 240x280 रिजोल्यूशन मिलेगा. यहाँ पे आपको नीचे की साइड में थोड़े आपको बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, बट डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही सुपर है. डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ चलती है. अगर बात करें टच रिस्पॉन्स के बारे में, रिस्पॉन्स आपको बहुत ही सुपर मिलता है. बहुत ही इजीली आप डिफरेंट मेनू में नेविगेट कर पाओगे. अगर बात करें ब्राइटनेस के बारे में, सिंपली आप इस तरह से स्वाइप डाउन करके ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो. डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है, सो आप स्मार्ट वॉच को बहुत ही इजीली इंडोर एंड आउटडोर दोनों कैसे में यूज कर पाओगे. जैसे आपके फ़ोन में कॉल आएगा, आपकी स्मार्ट वॉच में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे वो कॉलर का नेम मिल जाएगा. यहाँ पे क्लिक करके आप स्मार्ट वॉच के वाइब्रेशन को ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे आप क्लिक करके कॉल को कट कर पाओगे, देखो कट हो जाएगा. सुबह बात करते हैं स्मार्ट वॉच के UI के बारे में. यहाँ पे कुछ स्मार्ट वॉच में वेक अप फीचर मिल जाएगा. यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करके स्मार्ट वॉच को ऑन ऑफ कर पाओगे इस तरह से.
यहाँ पे आप टच एंड लॉन्ग फेस के स्मार्ट वॉच के वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे को बहुत सारे वॉच फेसिस मिल जाएगा जिसको पूरा कस्टमाइज कर पाओगे। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको वॉच फेसिस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे को बहुत सारे वॉच फेस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे को एडिट के ऊपर क्लिक करना है। बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। सो आप अपनी फोन गैदरिंग में से किसी भी फोटो को आप अपने वॉच फेस की तरह यूज कर पाओगे। अपने काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। स्वाइप डाउन करते आपका कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। ऐसे आप अपनी स्मार्टवॉच के वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसे आप ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर पाओगे। डिस्प्ले काफ़ी आपको ब्राइट मिलती है। यहाँ पे क्लिक करके अपने थिएटर मोड को ऑन ऑफ कर पाओगे। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट आपको मिलता है वेदर। यहाँ पे आपको वेदर की सारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरा को वेदर फोरकास्ट मिलता है। नेक्स्ट आपको मिलता है सेटिंग्स। यहाँ पे क्लिक करके सीधा आप सेटिंग्स मेनू में जा पाओगे इस तरह से। स्वाइप लेफ्ट करते सबसे पहले आपको मिलता है स्पोर्ट्स डेटा। यहाँ पे आपको स्टेप काउंट, कैलोरी काउंट, डिस्टेंस सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा हार्ट रेट और आपको मिलता है एक्सरसाइज मोड। नेक्स्ट आपको मिलता है वेदर के सारे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी और आपको मिलता है कैमरा कंट्रोल एंड म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएगा। सो आप अपनी स्मार्टवॉच की ऐप से अपने फोन के कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे। स्वाइप राइट करते आप अपने पीक मेनू को एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मेनू स्टाइल मिल जाएगा। स्वाइप अप करते आपका मेनू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है मैसेजेस। यहाँ पे पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा कस्टमाइज कर पाओगे, ऑन ऑफ कर पाओगे। सबके लिए काफ़ी ईजी बन जाएगा। मैं ऐसे बैक कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको स्पोर्ट्स का पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपको स्टेप काउंट, कैलोरी काउंट, मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम और आपको मिलता है हार्ट रेट। इसको भी मेजर करने वाला है, देखते हैं मेरा हार्ट रेट कितना आता है। यहाँ पे शो कर रहा है 85 BPM, 83 पूरा लाइव अपडेट होता रहेगा। बहुत ही नॉर्मल हार्ट रेट है। स्वाइप अप करते पूरा यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम रेंज सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरा आप इसको ट्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्सरसाइज मोड। यहाँ पे आपको 118 एक्सरसाइज मोड मिल जाएगा जिसको बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाद में यहाँ पे आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है वाटर स्पोर्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आपको एक्टिविटीज़ मिल जाएगी जिसको पूरा आप यूज़ कर सकते हो। बैक करता हूँ। बाद में लिखा है ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल, इंडोर साइकिलिंग, फीडिंग सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है डांस। यहाँ पे आपको स्क्वायर डांसिंग, बेली डांस, बैलेट सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको 118 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। अभी हम एक मोड को भी हम ओपन करने वाले हैं। सो अभी हम स्विमिंग को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 आपका मोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको टाइमिंग मिल जाएगा, कैलोरी काउंट मिलता है, हार्ट रेट मिल जाएगा, पूरी आपको रेंज मिल जाएगी। और यहाँ पे आप इस तरह से अपने मोड को ऑफ कर सकते हो। देखो अभी स्टॉप हो चुका है और ऑफ हो जाएगा। और आपको मिलता है SPO2। ऐसे आप अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर कर पाओगे। देखते हैं मेरा कितना आता है। यहाँ पे शुगर 98%, जो काफ़ी अच्छा ऑक्सीजन लेवल। यहाँ पे पूरा आपको मैक्सिमम मिनिमम पूरी आपको रेंज सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है वेदर। यहाँ पे आपको वेदर की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज मिल जाएगी, जैसे आप अपना ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ के लिए काफ़ी हेल्पफुल बन जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है फ्लैश लाइट। यहाँ पे आपको 3 गेम्स मिल जाएगी, जिसको आपको काफ़ी अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। और आपको मिलता है सेटिंग्स। यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच, अलार्म, काउंट डाउन, ब्राइटनेस, वाइब्रेशन ऑन ऑफ, थिएटर मोड का फीचर, रीसेट, पावर ऑफ, अबाउट, और यहाँ पे आपको ऐप का QR कोड मिल जाएगा। सो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। सो भी आपको स्मार्ट वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको न्यू स्मार्ट वॉच परचेस करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, इसको आप 100% परचेस कर सकते हो। सारे आपको सेंसर्स मिलते हैं, सारे फीचर्स मिल जाएंगे, प्लस आप स्मार्ट वॉच को अंडर वाटर भी यूज़ कर पाओगे। वेल फॉर मनी आपको स्मार्ट वॉच मिल जाएगा। इस स्मार्ट वॉच को परचेस करने के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सुबह को वीडियो यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं वीडियो में। बाय।